आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीतापुर में राजा कॉलेज मैदान पर राष्ट्रीय क्रांति सेना की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पाटीदार आंदोलन से चर्चा में आए हार्दिक पटेल ने महापंचायत में भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में एक तीर से दो निशाने साधे, पहला अपनी बिरादरी व किसानों को एकजुट होने का पैगाम दिया तो दूसरे तरफ पीएम और सीएम को निशाने पर रखा। वहीं पीएम का नाम लिए बगैर ही हार्दिक पटेल ने उन्हें चोर की संज्ञा दी। पटेल ने कहा, अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो उसी अंग्रेजों की गुलामी फिर से आ जाएगी और फिर से भगत सिंह सरदार पटेल की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हार्दिक पटेल ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। पटेल ने कहा, अभी 25 नवंबर चली गई है, राम मंदिर के नाम पर लोगों को अयोध्या में इकट्ठा किया गया, जब वहां ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा हुई तो उन्होंने कार्यक्रम बंद कर दिया। सीतापुर में किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब यहाँ पर गन्ना किसानों की बात हुई थी, तब कम से कम 6 महीने से बात हो रही थी कार्यक्रम करना, तो अभी जाके हमने किया है। क्योंकि जब तक किसान जागरूक नहीं हो गए तब तक सरकार जागरूक नहीं होगी, और हमारा काम है किसानों के मूल मुद्दे सरकार तक पहुँचाना और सरकार को उस मुद्दे पर विमर्श करवाना, चर्चा करवाना, बस वही काम करने के लिए हम आए हैं।